नमस्कार दोस्तों, ये 18 साल के व्यक्ति का पाम है। इनका एक सवाल है, क्या ये ISI की तैयारी के लिए, इनको IAS की तैयारी के लिए इनको जाना चाहिए? तो शुरुआत में पहले इसी प्रश्न को हम लेते हैं। पहली चीज, इनकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट की लाइन तो बनी हुई है, ये लाइन है, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ना ही इनके कोई सूर्य पर्वत पर स्टार या कोई स्ट्रांग लाइन सूर्य रेखा बनी हुई है, या कोई इस तरह की रेखा बनी हुई है कि व्यक्ति को सरकारी पोस्ट की ओर इशारा करती है। हाँ, ये एक लाइन है जो इनको सरकारी पोस्ट की ओर इशारा कर रही है, सरकारी लाभ की ओर या पॉलिटिकल लाभ की ओर। अब इनकी उम्र फिलहाल वर्तमान 18 साल है। अब ये तैयारी, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है और ये उम्र लगभग इनकी 22 साल तक। 22 साल में कोई ना कोई इनको डिग्री जीवन में प्राप्त हो सकती है। एक ये हुई उस तरफ, और इनका जो पाम है वो यहां पर भी चौड़ा है और यहां पर भी सेम चौड़ाई लिए हुए है। और नहीं, जुपिटर माउंट इतना स्ट्रांग है, बहुत बड़ा जुपिटर माउंट नहीं है। जनरली सरकारी जो हाई पोस्ट पर व्यक्ति होता है उसका जुपिटर माउंट काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो इनमें 2-3 माइनस पॉइंट लग रहे हैं जो वो लेवल की हाई पोस्ट के लिए ये पाम मुझे उपयुक्त नहीं लग रहा। ये पाम मेरी दृष्टि में एक बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रांग मनी ट्रायंगल बना हुआ है और बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताई मैंने कि ये पाम यहां से भी चौड़ा है और यहां से भी चौड़ा है, तो ये भी व्यक्ति किसी के कंट्रोल में काम नहीं करता, अपना निर्णय लेता है। और कितना भी सरकारी अधिकारी बड़ा हो तो उसको किसी न किसी के अंडर में काम करना होता है, तो ये इस तरह के पाम वाले लोग जनरली अंडर में काम नहीं कर पाते। तो सरकारी जॉब की और केवल एक साइन है, ओनली वन। और ये जो ट्रायंगल बना है, ये तो कोई और डिग्री भी व्यक्ति ले सकता है इस पीरियड में। तो मेरी इनसे यही सलाह है, 2-3 साल इनको कोशिश करनी चाहिए। अगर सफलता नहीं मिलती तो इनको छोड़ देनी चाहिए और कोई अलग विषय के अंदर इनको एंटर हो जाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और ये बिजनेस करेंगे तो ह्यूज लेवल का बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, क्योंकि इनकी बुध रेखा भी काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, और ये जब और स्ट्रांग बनेगी तो बहुत बड़ा फल देगी। ये सारे मापदंड मेरे पामिस्ट्री की नॉलेज के हिसाब से ये एक बिजनेसमैन का पाम ज़्यादा लग रहा है बनिस्पत किसी जॉब की ओर, क्योंकि ये जो रेखा है ये तो व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है तो भी होती है रेखा, खाने का शौक होता है व्यक्ति को तो भी ये रेखा होती है, ससुराल पैसे वाला मिलता है तो भी ये रेखा होती है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं। दूसरा, जो फेट लाइन है वो कंप्लीट इस तरह से घूमनी चाहिए, वैसा है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर बिजनेसमैन का पाम है मेरी दृष्टि में। अब चलते इनके नॉर्मल एनालिसिस की ओर। काफ़ी गुलाबी पाम है, ऐसे लोग व्यक्तिगत रूप से खर्च ज़्यादा रहता है, और चौड़ा पाम है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, हर कार्य मेहनत से पूरा करता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऐसे पाम वालों को। दूसरी खासियत, ये जो पार्ट है ये एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, 15% के आसपास ज़्यादा है, तो ये भी पैसा कमाने में अच्छा खासा व्यक्ति को हेल्प करता है। इनका अंगूठा फोटोग्राफ्स के हिसाब से मुड़ा हुआ है, पर ये अंगूठा भी काफ़ी बड़ा है,
तो स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी इनकी, और यहाँ से मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले भी ये होते हैं। इनकी जुपिटर की उंगली छोटी है, ये भी दूसरा और माइनस पॉइंट। थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, सरकारी व्यक्ति अपना प्रभाव गिराता है, तो ये थोड़ी सी छोटी है पर झुक रही है, तो धार्मिक भावना भी अच्छी खासी होगी। और एक बिजनेसमैन में जो चाहिए वो ये, सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मत भी काफ़ी होती है ऐसे लोगों में। इनकी छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंस से 2 mm कम रह रही है, तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारी चीज़ों में कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी। इतनी चल जाती है, कोई ज़्यादा कमी नहीं कही जाती, तो ये भी प्लस पार्ट है। और इनका जो छोटी उंगली का फर्स्ट फैलेंज है वो थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो ये लोग व्यापार वाणिज्य में अच्छे खासे मास्टर होते हैं। अब चलते बुध पर्वत की ओर। बुध पर्वत पर देखे तो यहाँ से उभार ज़्यादा है, तो जब व्यक्ति के यहाँ से उभार ज़्यादा रहता है तो व्यक्ति पैसा अपने नाम के लिए कमाना चाहता है, पैसा पैसे के लिए नहीं कमाना चाहता। और बुध पर्वत को क्षेत्रफल अच्छा मिला है तो बिजनेस एक्यूमेन, व्यक्ति में थोड़ी सी सुंदरता भी रहती है, ये सारे गुण इनको मिले होंगे, और बोली भी साफ रहती है। और यहाँ पर देखे सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत पर कोई स्ट्रांग रेखा ही नहीं है सूर्य की, तो ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष भी बहुत कम होता है, बहुत इजीली सफलता मिल जाती है इनको जीवन में। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर भी देखिए आप कितनी सारी लाइन है, और ये लाइन तो जो थोड़ी सी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो हो ना हो कभी ना कभी इनको विदेश से भी धन लाभ हो, तो सरकारी आदमी के पास विदेश से धन लाभ के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और बहुत सारी लाइनें यहाँ पर है, तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा करती है, बहुत सारी तरफ से इनकम इनको बुढ़ापे में आने वाली है। और ये जो लाइन है ये हल्की है, तो ये जो पहले वीडियो के शुरुआत में बताया इसके 3-4 लाभ होते हैं। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत की ओर। गुरु पर्वत ये एक प्रॉब्लम दायक है, यहां से जब उभरता है तो व्यक्ति को पारिवारिक झंझटों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी पति पत्नी के साथ भी विवाद होते हैं इस तरह के गुरु पर्वत के कारण। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। दूसरा, इनका शुक्र काफी बलवान है, तो धन के मामले में तो ये काफी संपन्न बनेंगे अपने जीवन में, पर फिर भी गुरु को बैलेंस करने की आवश्यकता है। जब ये बुल गुरु बैलेंस होता है तो व्यक्ति के जीवन में और ज्यादा धन आता है, और पारिवारिक सुख शांति भी व्यक्ति को मिलती है, और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी अच्छा कर पाता है। और इनके गुरु पर्वत पर देखे तो अगर ये बहुत बड़ा स्क्वायर बनता होगा तो ये 32 साल के पहले खुद का घर, 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी। पर ये स्क्वायर मुझे इनके पाम पर इतनी बारीक रेखा है, ये इनको ही देखना पड़ेगा, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट पैक होना चाहिए। और बहुत बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा, बोलने के कार्य में मास्टरी मिलेगी। और ये जो लाइन है कंटिन्यू ऊपर जा रही है, ये भी कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा करती है। और मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। अब चलते अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल अंगूठे के कारण थोड़ा सा उभार ज़्यादा लग रहा है, पर इलाका अच्छा है तो शरीर की एनर्जी मध्यम से ज़्यादा रहेगी इनके जीवन में। और अब चलते बाहरी मंगल की ओर। बाहरी मंगल भी अच्छा खासा उभार है, तो व्यक्ति किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय इनके पाम पर ज़्यादा संकट दिख नहीं रहे, पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत जिसका भी अच्छा होता है
उसका कभी ना कभी विदेश से संबंध आता जरूर है, और इनके संबंध की रेखा भी बनी हुई है। ये देखिए जितनी भी रेखा है जीवन रेखा से इस तरह से जाती है, ये विदेश से संबंध की ओर इशारा करती है। ऐसे लोगों का जाना आना विदेश से लगा रहता है, कोई ना कोई उम्र के किसी न किसी पड़ाव में इस तरह का इनके साथ जीवन में होगा। और चंद्र पर्वत अच्छा होने से बुद्धि कौशल्य काफ़ी अच्छा होता है, रिफाइंड सोच होती है, व्यक्ति मन से शांत रहता है, ये सारे गुण चंद्र पर्वत देता है। और इनका मनी ट्रायंगल देखने जैसा है, अभी थोड़ा खुला हुआ है, पर इतना खुला हुआ भी एक बार एक्सेप्टेड है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देता, अच्छा खासा धन व्यक्ति अपने जीवन में बनाता है। तो ये कंप्लीट धन प्राप्ति का मनी ट्रायंगल है। ये बहुत बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके हाथों में इस तरह का मनी ट्रायंगल होता है। ये बहुत कम उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे, बहुत कम उम्र से ही, और थोड़े से सालों में तो आपको ये बहुत बड़े स्तर पर दिखेंगे, क्योंकि इतना मनी ट्रायंगल व्यक्ति को ह्यूज लेवल के इनकम के स्रोत व्यक्तिगत रूप से क्रिएट करवाता है। बहुत रेयर साइन है इतना बड़ा मनी ट्रायंगल। बहुत छोटी उम्र से ही सफलता मिलनी इनको शुरू हो जाएगी। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत एक फुटबॉल की गेंद की तरह अच्छा खासा बड़ा और उभार लिए हुए, तो और गुलाबी भी है, हाथ भी गुलाबी है। तो इस तरह का शुक्र पर्वत बहुत सारी लग्जरी देगा, बहुत सारा पैसा देगा व्यक्ति को। हाँ, इनके साथ एक चीज़ होगी, इनको गर्मी सहन नहीं होगी और पसीना काफ़ी आता होगा इनको, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, खर्च भी अधिक रहेगा इनका, पर्सनल खर्च भी। ये सारे गुण शुक्र पर्वत देता है, और धन की मात्रा भी व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी देता है। अभी इनकी उम्र केवल 18 साल है, इसके लिए इनको अभी ये ट्रस्ट नहीं होगा, पर जैसे ही थोड़े से कमाने शुरू हुए ये चमत्कार करेंगे। इनका शुक्र पर्वत देखकर लग रहा है और मनी ट्रायंगल देखकर, और ये जो रेखा है ये कंप्लीट लग्जरिया इनके जीवन में देगी, कंप्लीट। अब चलते इनके हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन भी देखिए आप, कंप्लीट शनि पर्वत से ही शुरू होकर सीधी जा रही है, और एक शाखा उसमें से हल्की सी यहां पर निकली है। तो ये उम्र लगभग थोड़ा कुछ भी 32 साल तक ये नॉर्मल रहेंगे, पर 32 साल के बाद तो ये पैसा ही पैसा इनके जीवन में रहेगा, पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। ये रेखा इस तरह की, ये जो शाखा भी निकली है ये भी पूरी गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है, शनि पर्वत तक ही रह रही है। तो ऐसे लोग 2400 घंटा पैसे के बारे में सोचते हैं, पहली चीज। सेकेंड, कामुक भावना इनमें ज़्यादा रहती है। तीसरा, ये कभी कभी फिजिकल बनते, और ये इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ओर प्रेरित करती है। और यहाँ पर बुढ़ापा आने पर 55 के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई इनके जीवन में दिख रही है। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन देखे तो लगभग यहाँ से शुरू होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है और नीचे चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो जब भी मंगल क्षेत्र से माइंड लाइन शुरू होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है, ज़्यादातर प्लान व्यक्ति माइंड में रखता है या पेपरों पे रखता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। और थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी है तो व्यक्ति बुद्धि चातुर्य तो अच्छा खासा रहता है, पर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा आने पर विस्फोटक बन जाता है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। बाकी माइंड लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर जहाँ थोड़ा सा उभार ज़्यादा आएगा वहाँ थोड़ा सा प्रेशर आएगा इनके जीवन में, और ये थोड़ा सा डार्क लग रही है। तो उम्र के लगभग ये 36 साल तक
जीवन में दबाव सहन करेंगे कोई ना कोई सफलता पाने के लिए, और उसके बाद इनकी माइंड लाइन स्मूथ हो रही है। अब चलते इनकी जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा देखे तो शुरुआत से ही अब जा रही है लाइन, और यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहे, तो डिग्री तो इनके जीवन में कोई ना कोई प्राप्त करेंगे ये, और यहाँ से इनके जीवन की एक अच्छी सी शुरुआत होगी। ये लगभग उम्र 25-26 के आसपास से, और यहाँ से जो जीवन इनका शुरू होगा वो नॉन स्टॉप आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ रहा है। और राहु रेखा भी बहुत हल्की है, कोई ज़्यादा परेशानी जीवन में देगी नहीं, और कंप्लीट कव लेकर यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये अच्छी खासी जीवन रेखा है, पर ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये काफ़ी शरीर के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे अपने शरीर का। ये उम्र होगी लगभग 30 के आसपास के बाद ये शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। ये खाने से विटामिन इतना मिलता है, ये खाने से कैलोरी इतनी मिलती है, ये खाने से बुखार आ जाएगा, ये खाने से सर्दी हो जाएगी। तोल तोल के खाने वाले जो शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान रखते, ये इस तरह की जो पतली जिसकी जीवन रेखा होती है वो शरीर के प्रति काफ़ी ध्यान रखते, ये एक माइनस पॉइंट होता है। बाकी जीवन काफ़ी स्वस्थ रहता है, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, केयर ज़्यादा करते शरीर की। जिसकी मोटी रेखा होती है वो ज़्यादा केयर नहीं करता, जीते रहता है। बाकी इनकी जीवन रेखा काफ़ी सुंदर है, अच्छी है, और जहाँ पर ये डबल है तो ये कोई ना कोई एक्स्ट्रा परिवार की जिम्मेदारी है इनके सर पे रहेगी इस पीरियड में। और अच्छा खासा पीरियड डबल जीवन रेखा चल रही है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके सर पे ज़्यादा रहने वाली है। अब चलते इनकी फेट लाइन की ओर। फेट लाइन भी देखिए तो कंप्लीट एक लाइन, फेट लाइन को देखने के पहले हो ना हो ये पेट खराब करने की रेखा इनके बनी हुई है, तो हो ना हो इनकी पेट खराब रहता होगा। और केतु पर्वत से शुरू हो रही है और ऐसे नॉन स्टॉप जाकर यहाँ स्टॉप हो गई, और यहाँ से एक पूरा नया बदलाव आया 36 के आसपास से, और इस तरह से ये बढ़ रही है सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये भी विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा करती है। और जिसकी भी इस तरह से रेखा निकलती है तो खाते पीते घर में व्यक्ति का जन्म होता है, बेसिक चीज़ों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी पड़ती, और जैसे ही कमाना शुरुआत करेंगे वैसे ही स्पीड में कमाई शुरू होगी। और ये 36 के बाद इनके जीवन में एक नया मोड़ आएगा और इस तरह से इनका जीवन आगे बढ़ेगा। और कोई ज़्यादा राहु रेखाएं इनके जीवन में काट नहीं रही है, जो थोड़ी कुछ काट रही है तो छोटे छोटे मोटे खर्च की ओर इशारा करती है, कोई ज़्यादा कट नहीं है कि ज़्यादा टेंस इनके जीवन में आए, केवल एक रेखा ये थोड़ी सी ज़्यादा काट रही है 40 के आसपास, और ये परिवार के खर्च की ओर इशारा कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। पूरे जीवन में एक ये केवल थोड़ी सी तकलीफ वाला अगर स्थान है तो ये 38-39 के आसपास इनके जीवन में थोड़ा सा आर्थिक कष्ट आ सकता है, इसके सिवा पूरे जीवन नॉन स्टॉप चलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी फेट लाइन है। तो जैसे वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया, ये एक बिजनेसमैन का ज़्यादा पाम लग रहा है, ये एज़ पर मेरे नॉलेज के हिसाब से। आशा रखता हूँ इनके प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।